अरे भैया हम गए तो किटी पार्टी में चली गए ना। किटी पार्टी में गए कैसे हुआ सुने लगे मेहनत भाई आपस में परपंच कर रहे थे। वह कहा कि हम अपने घर के काम बहुत करते, वह कहा हम अपने घर के काम बहुत करते। मुझसे पूछे लगे भैया दादा कौन सा ऐसा काम करती जो ने तोरे से इतना आंस गिरे थे कि जितना सीरियल में अनुपमा के ना गिरे थे उतना तोरे आंस गिरे थे। तो कहें कि हमें कि खाप बनाई के जाती खाना बनाया लिया होती खाप बनाई जाती तो सास ससुर का खाप है ना थरिया में डाल के दिए पड़े थे। उसके बाद इन्हें कपड़ा मशीन में डाले पड़ते झाड़ू पोछा करे लिया आवती झाड़ू पोछा करके जाती और बच्चे देखे वाली बच्चन का देख जाती संध्या के टाइम पर फिर नवाए खाना बनाए के वे चली जाती सास ससुर का दिए पड़ते और हस्बैंड जी खाते ना कॉफी बनाए पड़ते और रहना सास ससुर खाते भी चाय बनाए के दिए पड़ते और खुद भी खाए पड़ते। हम कह भैया तू कितना खाते कहें कि हम ज्यादा नहीं खाते सवेरे एक नारियल पानी पीते जूस पीते और उसके बाद हल्का फुल्का नाश्ता करते दोपहर है ना चार चपाती है ना घी वाली खा लेते बस और कुछ नहीं और संध्या के टाइम पर एक गिलास बड़ा दूध पी लेते और हम हरे लागी कमजोरी कैसे इतना सारा घर के काम करे रहते। अब हमारे ऐसे मेरे समझ में नहीं आते कि वह इतना सारा काम करत कहाँ है वे मशीन कपड़ा धो थी काम का खाना बनाया लिया थी खाना बनाए के लिए एक चाय बनाए रहा था और एक कॉफी बनाए रहा था और हर तरीके अरे है गया धत तरीके सास ससुर का तू ना तनी के खाना पर दी वो मां बड़ी बात है। हाय रे दैया किटी पार्टी में जाओ तो बहुत कुछ सुनने को मिल जाते। राम राम राम।